Well, if SmackDown is Romeo, then I am the Juliet. If SmackDown is the Heer, I am the Ranja. तो गाइस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड ट्रू लव हैज बीन डिफाइंड. आज की स्मैकडाउन आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई शब्द है बोलने को. इट इज़ दैट स्मैकडाउन जिसे कि अगर आप 2005 में देखा करते बिल्कुल अपने पीक पर, यू नो, जब आपको लगता है कि बचपन में तो WWE अच्छी हुआ करती थी, ये एपिसोड उस अच्छे पने का काम करता है. इट वॉज दैट गुड, दैट स्पेशल. आई हैव नो आइडिया कि रॉ एंड स्मैकडाउन को लिखने वाले सेम बंदे हैं कि नहीं, बट इट इज़ जस्ट ऑन अनदर लेवल. आई फील लाइक स्मैकडाउन इज़ नॉट फ्रॉम WWE, बिकॉज WWE रॉ भी दे रही है और स्मैकडाउन भी दे रही है, देन स्मैकडाउन में इतना कैसे डिफरेंस आ सकता है. इट इज़ सो गुड मैन, मतलब लाइव देखने का मजा आता है. इट इज़ सो गुड कि मैं अपने 9:30 की वीडियो नहीं बना पा रहा, मेरे को इतनी जल्दी हो रही है कि मैं 5 बजे ही डालिए वीडियो. एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट स्मैकडाउन कि एक्चुअली में सुपर स्टार्स को पुश मिल रहा है, एंड एक्चुअली में वो सुपर स्टार्स शाइन कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ ये कर सकते हैं. जैसे कि शुरुआत करते हैं, शुभम पानीगरी ने लिखा कि फन फैक्ट, नाकामुरा ने 2020 में इतनी विक्ट्रीज नहीं ली जितनी आज ली है. आई मीन शिंसुके नाकामुरा जस्ट बिकेम द हीरो. आई थिंक गॉटलेंट मैचेस वो मैचेस होते जो कि आपको रास्ते से उठा के कहीं भी ले जाएंगे. रिमेंबर कोफी किंगस्टन, सेथ रॉलिंस एंड नाउ शिंसुके नाकामुरा. हाउएवर नॉट दैट कि हाँ भैया शिंसुके नाकामुरा ने इतने घंटे तक लड़ा एंड इन द एंड विक्ट्री निकल कर आई, बिकॉज ही वॉज नॉट द विनर. आएंगे उस पर भी, बट शिंसुके नाकामुरा की परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबल, वॉज इनफ टू शट डाउन IWC. IWC मतलब इंटरनेट की रेसलिंग जो कम्युनिटी है, उसको मुंह बंद करने के लिए शिंसुके नाकामुरा ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. शिंसुके नाकामुरा ब्यूरी हो गया, मेरा नाकामुरा मेरे लिए खाना लाता था, अब नहीं ला पाएगा, एंड नाउ ही इज एक्चुअली फाइन. आई जस्ट होप कि ये जो मोमेंटम है नाकामुरा का ये कंटिन्यू रहे, बिकॉज आई फील लाइक, अरे मेरे को खुद देखो यार, नाकामुरा एंड डैनियल ब्रायन का जब हो रहा था मैच, मैं नहीं चाह रहा था कि डैनियल ब्रायन जीते, बिकॉज नाकामुरा ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था उस मोमेंट तक कि मैं चाहता था कि यार नाकामुरा जीते. सो जो शिफ्ट हुआ है ना नाकामुरा के लिए हमारे इमोशन, आई थिंक WWE को इस पर कैपिटलाइज करना चाहिए, अदरवाइज आई थिंक दे आर स्टूपिड. अभिनव चमला गई लिखते हैं, आर नाकामुरा इज बैक फाइनली, वाओ ग्रेटेस्ट मोमेंट इन टुडे स्मैकडाउन, विच इज़ ट्रू. लाइक शिंसुके नाकामुरा जो हमने लास्ट टाइम NXT, मैं कहूँगा कि NXT का नाकामुरा और आज के नाकामुरा में कोई डिफरेंस नहीं. अगर आज ऑडियंस होती तो वो थीम सॉन्ग गा के विदा करते नाकामुरा को बाकायदा. सस्मिता नायक लिखते कि ले फैंस रोमन वर्सेज ब्रायन, एंड विंस भी लाइक रुको जरा, सबर करो, हमारी बुड्ढों की टोली बाकी है. अबे वेट, आई गेट इट कि आप रोमन वर्सेज ब्रायन चाहते होंगे फॉर सम रीजन, एंड आई थिंक मैच पॉइंट ऑफ वाइज भी अच्छा होगा, बट एक जो होता है ना इंटरेस्ट पना कि हाँ ये देखना, इसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, नो मैटर ये गुड होगा या बैड होगा, बट जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है वो रोमन वर्सेस पियर्स से आ गया है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. आई थिंक रॉयल रंबल में जो दोनों WWE चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच है, दोनों इंटरेस्टिंग रख दिए इन्होंने, एंड अभी मजा आने वाला है. द रोकोस नेटवर्क लिखते हैं, सोनिया डेविल टर्न फेस, कुछ समझ नहीं आया, शी कैन बी अ वर्दी चैलेंजर टू साशा बैंक्स बाय बीइंग अ हील. आई थिंक काफी इंटरनेट पर मैंने वो भी देखे थे, फैंस चाह रहे थे कि साशा बैंक्स के साथ लड़े सोनिया डेविल फॉर द चैंपियनशिप, विच मेक्स सेंस राइट. सोनिया डेविल ने जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया था समर स्लैम में, इट वॉज इनफ कि वो उस चैंपियनशिप मटीरियल में आ जाए दोबारा से. बट फेस और हील का तो पता नहीं, बट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो निकाली है अरिन बजाज ने, ही सेड कि ऑल्सो आई थिंक सोनिया वॉज द वन दैट हेल्प हेमन टू गेट पियर्स इन टू द मैच, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आपने एक सीन देखा था जहाँ पर पॉल हेमन, एडम पियर्स, सोनिया डेविल एक साथ थे. आई मीन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई थिंक सोनिया डेविल के लिए इनके पास बड़े प्लान हैं, और वो बड़े प्लान इस बड़ी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करके भी कर सकते हैं. सो आई एम ऑल फॉर दैट थ्योरी. मैक बहादुर गाले लिखते हैं कि जबरदस्त ओपोनेंट है या जबरदस्ती का ओपोनेंट है. एडम भी लाइक गजब बेच जाती है यार. देखो एडम पियर्स का मेरे को पता चला कि यार पहले लड़ा करते थे, एंड देन 6 साल के बाद उनका पहला मैच होने वाला है, वो भी रोमन रेंस के अगेंस्ट. इट इज़ लाइक सेइंग कि भैया तुमने कभी कोई मूवी देखी नहीं है, लेकिन आज तुम्हें अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग करनी है एक मूवी के अंदर. तो वही रिएक्शन एडम पियर्स का भी होने वाला है, एंड जिस तरह से आज एग्जीक्यूट हुआ है ना गॉटलेंट मैच, इट वॉज जस्ट सुपर. रोमन रेंस का कैरेक्टर, मुझे तो लगता नहीं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, बिकॉज वो अपने आप को इतना ग्रो कर चुके हैं कि हम उनको बोलने के लायक भी नहीं है. वो भगवान बन चुके हैं, देवता बन चुके हैं, एंड वो जिस चीज़ को भी छू रहे हैं वो सोना बन रहे हैं, एंड
उस जिस मैच में आने वाले थे, यानी कि शिंस्के नाकामुरा भी ऑब्वियसली रोमन रेंज के मैच में आने वाले थे अगर जीत जाते तो, वो वहां से भी उनको अच्छा सा पुश मिल गया। सो रोमन रेंज जरूरी नहीं है कि आपको छुए गोल्ड बनाने के लिए, आपको नहीं, वो बिना छुए भी गोल्ड बना रहे हैं, विच इज जस्ट क्रेजी टू मी। और एडम पियर्स वर्सेस रोमन रेंज, भाई स्टोरी लाइन देख रहे हो, रोमन रेंज मतलब इस स्टोरी लाइन में बेसिकली मेरे को इतना पता चल रहा है कि रोमन रेंज बाहर बाहर से तो दिखा रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से वो एक डरपोक टाइप का कैरेक्टर है, जैसा कि अभी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड इसीलिए वो कुछ ना कुछ करके तिगड़म लगा के वीक अपोनेंट्स चूज कर रहे हैं। माना कि केविन ओवेंस वगैरह वीक नहीं थे, लेकिन वो थोड़ा रास्ते में आ गए थे, बट जो अगला अपोनेंट है वो चूज कर सकते थे खुद, और उन्होंने एडम पियर्स को चूज करा। आई थिंक फिर भी मैं रोमन रेंस को दाद दूंगा, बिकॉज हु नोज कि वो रेफरी को चूज कर लेते हैं कि भैया नहीं मुझे तुमसे नहीं, मुझे रेफरी से लड़ना है, वो जिस तरह से स्लैप मारते हैं रिंग पर वो मेरे दिल को लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि रेफरी से लड़ूं। बट इफ यू वॉन्ट टू नो माई रिएक्शन रॉयल रंबल के लिए, आई थिंक आई एम मोर हाइप्ड देन एनीथिंग। आई मीन गोल्डबर्ग वर्सेज मैकइंटायर, रोमन वर्सेज एडम पियर्स, वुमेन्स रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल, ये चार तो एक्शन पैक्ड ऑलरेडी मैच हो ही चुके हैं, आप बताओ क्या करे एक इंसान। वैसे मैंने आज ज़्यादा सोशल मीडिया चलाया नहीं, बट क्या कहीं ट्रेंड हो रहा था ऐसा कुछ के सैमी ज़ेन फ्यूरी हो गया, रे मिस्टीरियो से हर गया, स्क्वैश कर दिया गोल्डबर्ग ने, उधर डॉल्फ ज़िगलर को स्क्वैश किया, इधर स्क्वैश कर दिया रे मिस्टीरियो ने, चल रहा था क्या? आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर चल रहा होगा तो। ऑल्सो स्ट्रीट प्रॉफिट्स चैंपियनशिप हार गए भाई, बहुत बढ़िया वाली बात हुई, आई लव स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बस बट एज अ चैंपियन आई डोंट थिंक सो कि हमें पता भी था कि वो चैंपियन है, सो कुछ अलग हुआ है। एक तो यार टैग टीम चैंपियनशिप, तुम्हारे पास टैग टीम इतनी नहीं है, दो दो टैग टीम चैंपियनशिप तुमने रख रखी है, क्यों? कोई ज़बरदस्ती कोई कर कोई कह रहा है तुम्हें, कोई कह के चला है या कि नहीं? नहीं तो मैं दो ही टैग टीम चैंपियन, एक ही रख लो। टैग टीम के मामले में थोड़ा रूल हेर फेर कर देंगे कि हाँ भैया रॉ में भी जा सकते हैं, स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं, इतना चलता है यार। खैर ज़िगलर एंड रूड के पास फाइनली टाइटल आई, कुछ तो आया, कुछ नहीं से कुछ तो आया। ऑल्सो आई एम हैप्पी कि बेली भी आ रही है रॉयल रंबल में, and she is my pick.